तो आइए दोस्तों, फिर से आपका चैनल में स्वागत है। और जैसा कि हम एग्जाम वॉरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहले 8 मंत्र हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम 9वें मंत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि है टेक्नोलॉजी से पढ़ाई के बारे में। तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो एकदम हमें याद आ जाता है मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी में आती हैं। आज के जमाने में सीखने सिखाने के सारे तरीके ही बदल गए हैं। आप देखते हैं स्कूल में भी आप स्मार्ट क्लासरूम देख रहे हैं, और कई तरह की एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, जिसमें आप बहुत सी चीजों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, या कोई भी साइंटिफिक चीजें हो, या कोई सी भी आर्टिस्टिक चीजें हो, ढेर सारी एप्लीकेशन, यानी कि आपके सामने बहुत सारी चीजें आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में, डिजिटल फॉर्म के रूप में। आप चाहें तो उनका मदद से बहुत आसानी से तेजी से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे उनका ध्यान भटक जाता है पढ़ाई में। तो देखो दोस्तों, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नुकसान ही करती है। ऐसा भी नहीं कि आपके जीवन पे ये मोबाइल या आसपास का डिजिटल एनवायरनमेंट इतना हावी हो जाए कि आपको अपने जीवन के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं रहे, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ लोग मोबाइल के लत में इतने ज्यादा पड़ जाते हैं कि वो आसपास उनके कौन लोग हैं, उनसे क्या बात कर रहे हैं, वो भी उनको पता नहीं होता है, और आसपास के लोगों को इग्नोर करने लगते हैं। यहाँ पर ये चीजें गलत है, लेकिन मोदी जी का कहना है कि मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसके कारण वो खुद भी जनता से संवाद करते रहते हैं, और इतनी सारी जनता से वो डिफरेंट सोशल साइट्स के जरिए कनेक्ट रहते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि किस तरह से इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का अपने फायदे के लिए हम यूज कर सकते हैं, और इसका अपने जीवन में अपना और उच्चता पर ले जा सकते हैं, लेकिन लत लग जाए तो यही चीज आपके लिए घातक भी हो सकती है। तो मोदी जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज संयम और समझदारी के साथ करना चाहिए, जितना हमारे लिए अच्छा है उतना हमें इसे करना चाहिए, पढ़ाई में हमारे लिए काम आता है उतना भी हमें इसका यूज करना चाहिए, लेकिन जब हम अपने माता पिता के साथ बैठे या खासकर जब हम खाना खा रहे हो तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ध्यान इन चीजों में होगा तो हम अपने आसपास के लोगों से, खासकर अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से और घर के लोगों से दूरी बना लेंगे, और इन चीजों में ज्यादा डूबने के कारण हम अपने फिजिकल गेम्स से हम दूर हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि प्लेग्राउंड के ऊपर प्लेस्टेशन हावी हो जाए, यानी कि आप ग्राउंड में खेलने के बजाय सिर्फ एक छोटे से मोबाइल या प्लेस्टेशन में खेलकर अपना समय व्यतीत करें, इससे आपकी शारीरिक वृद्धि उतनी अच्छी नहीं होगी। मोदी जी खुद ही बार बार कहते हैं कि खेलें और खेलें, जो खेलेगा वही खेलेगा, पर यहाँ पर खेल खाली टेक्नोलॉजी या डिजिटल खेल से संबंधित नहीं है। डिजिटल गेम्स भी अच्छे हैं आपके मनोविकास के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन फिजिकल गेम बहुत अच्छे हैं। दोस्तों के साथ आप ग्राउंड में जब पसीना बहा के आते हैं तो आपको जो संतुष्टि मिलती है वो आपको टेक्नोलॉजिकल और ये डिजिटल गेम खेलने से कभी नहीं मिल सकती। तो आप अपने दिनचर्या में, यानी कि अपनी डेली लाइफ में कुछ समय टेक फ्री टाइम और कुछ जगह आप टेक फ्री जोन के रूप में प्रयोग करके देखिए, यानी कि दिन का कोई समय निर्धारित कर लीजिए कि उस समय आप कोई भी टेक्नोलॉजी, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप यूज नहीं करेंगे, और या अपने घर का कोई ऐसा कमरा डिसाइड कर लीजिए कि वहां जाकर आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आप ऑटोमेटिकली किस तरह से उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का सही उपयोग करना है सीख जाएंगे, ना कि उनकी लत में पड़ेंगे। आप भी जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से थोड़ा दूर रहेंगे तो आप भी जीवन की बारीकियों को अनुभव करेंगे, और जीवन को किस तरह से आगे ले जाना है आप खुद उसके बारे में बेहतर चिंतन कर सकेंगे। और जो लोग कहते हैं कि परीक्षा के दौरान कोई टीवी नहीं देखना चाहिए, इंटरनेट, कंप्यूटर कुछ यूज नहीं करना चाहिए, तो मोदी जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप परीक्षा के दौरान भी इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए या अपने आप को परीक्षा के दबाव से थोड़ा मुक्त करने के लिए। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग आपको परीक्षा की थकावट के बीच में नई ताजगी लेकर आ सकता है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग स्मार्ट बनने के लिए और स्मार्ट तरीके से रिलैक्स होने के लिए कीजिए, ना कि इसके जंजाल में फंसिए। यही था हमारा 9वां मंत्र एग्जाम वॉरियर्स का। अगले एपिसोड में हम इसके और मंत्रों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।